नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीवन जीने की कला। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि एकमात्र ऐसी औषधि है जो आपके घर को भी शुद्ध करेगी, आपके फेस पर अगर पिंपल्स, दाने या स्किन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है उसको भी दूर करेगी, यानी कि आपको सुंदर बनाने में भी मदद करेगी, और अगर इसका सेवन करते हैं तो आपके शरीर से अनेक बीमारियों को भी दूर करेगी, जैसे कि मधुमेह जैसी बीमारी या अन्य बीमारियां भी, वो हम आपको इस वीडियो में पूर्णतः बताने जा रहे हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके घर में कड़ी पत्ता लगा हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइए, अगर नहीं लगा हुआ है तो गमले में जरूर लगाइए कड़ी पत्ता। कुछ औषधियां ऐसी हैं जो घर में जरूर लगानी चाहिए, जैसे कि नीम हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, गिलोय हो गया, एलोवेरा हो गया, ये ऐसी औषधियां हैं जिनको घर में जरूर लगाना चाहिए। अब कड़ी पत्ता क्यों लगाना चाहिए, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ये अब हम समझते हैं इस वीडियो में। कैसे इसका कौन से स्थिति में इस्तेमाल करना है, बालों के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, फेस के लिए कैसे इस्तेमाल करना है यानी कि सौंदर्य के लिए, और कुछ बीमारियों को दूर करने के लिए। ये कमाल की औषधि है, लेकिन उससे भी कमाल तब होगा जब आप वीडियो को लाइक कर देंगे, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फैमिली मेंबर्स के साथ और दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी अच्छी जानकारी मिल सके। आइए इसके फायदों को आप समझते हैं। पहला फायदा, अगर आप डायबिटीज के रोगी हैं तो कड़ी पत्ता अपने भोजन में जरूर शामिल कीजिए, आप इस समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकेंगे। ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए बहुत अच्छी औषधि है, इसको चाहे आप दाल में डाल करके खाइए या सुबह सुबह दो पत्तियां तोड़ करके और धो लीजिए और उसको ऐसे भी चबा सकते हैं, कोई नुकसान कभी भी नहीं है, फायदा है। बस दो पत्तियां आप अगर रोज खा लेते हैं, कच्ची खा लीजिए, चाहे ऐसे खा लीजिए या सब्जी में डाल के खा लीजिए, दाल में डाल के खा लीजिए, उसका स्वाद भी बढ़ाएगी और आपके शरीर में इंसुलिन को बैलेंस में रखेगी, तो इसलिए आपको डायबिटीज का खतरा नहीं रहेगा। और सबसे अच्छी बात, मान लीजिए कि फैमिली में माता पिता को डायबिटीज है तो ज्यादा चांस रहता है कि बच्चों को भी डायबिटीज रहेगा, तो उस स्थिति में अगर आपके घर में कड़ी पत्ता है और खाने में इस्तेमाल होता है तो बच्चों का जो है उससे बचाव हो जाता है, चांस कम रहेंगे कि उनको डायबिटीज हो, क्योंकि आनुवांशिक रूप से होने वाली बीमारी है, तो उससे बचने के लिए फूड्स जो है वो पहले से ही बैलेंस करना बहुत जरूरी है और उसमें आपकी ये मदद करेगा। नंबर टू फायदा, आयरन और फोलिक एसिड का एक बेहतरीन स्रोत है कड़ी पत्ता, आपके शरीर का आयरन सोखने में ये मदद कर देती है, यानी कि कोई भी ऐसी औषधि खाएंगे जिसमें आयरन हो तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो चाहिए होता है वो इसमें गुण है, एनीमिया जैसी समस्या से आप बच जाएंगे अगर आपके शरीर में कमी नहीं होगी आयरन की। तो रोजाना खाली पेट कड़ी पत्ता खाइए, खजूर खाइए, आपको फायदा होगा। अगर ब्लड की कमी है तो खजूर खाइए, क्यों, क्योंकि उसमें आयरन पाया जाता है, तो कड़ी पत्ते के साथ खजूर खा लीजिए, जिसको ब्लड की कमी है शरीर में ब्लड तेजी से बनने लगेगा। अगर किसी को कफ है या कफ सूख गया हो, फेफड़ों में जम गया हो कफ और बाहर नहीं निकल रहा हो, तो कड़ी पत्ते का सेवन आपके लिए बेस्ट होगा। इसके लिए क्या करना होगा, कड़ी पत्ते को पीस लीजिए या फिर इसका पाउडर शहद के साथ सेवन कीजिए, शहद किसी भी औषधि के गुण को दुगना कर देता है, तो आपको जल्दी काम करेगी ये औषधि। किसी भी तरह से अगर आप त्वचा रोग से पीड़ित हैं, यानी कि चेहरे पर दाग धब्बे हो गए हैं या फिर पिंपल्स हो गए हैं, तो आप कड़ी पत्ता लीजिए और उसको पीस करके अपने फेस पर इसका पेस्ट लगा लीजिए और कड़ी पत्ते को खाया भी कीजिए, आपके चेहरे से देखेंगे तो दाग धब्बे और मुहासे बहुत आसानी से दूर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं बालों की। बालों को घना, काला और मजबूत बनाने के लिए आप जो कॉस्मेटिक्स लेते हैं, बाहर से औषधियां लेते हैं या दवाइयां लेते हैं, उससे बेहतर है कि घर पर कड़ी पत्ता लगाइए, आपको शुद्ध मिलेगा और इसका फायदा कमाल का होगा। कोई भी मार्केट की जो आप लाते हैं दवाएं, उससे बल्कि आपको और नुकसान हो सकता है, साइड इफेक्ट हो सकता है, बट इसका साइड इफेक्ट भी नहीं होता है और फायदा भी होता है। तो सवाल यह है कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है, तो कड़ी पत्ते के पत्तियों को तोड़ लीजिए, इसके बाद उसे नारियल तेल में डाल दीजिए और इसे अच्छे से उबाल दीजिए, तब तक उबालिए जब तक कि पत्तियां काली न हो जाए। जब पत्तियां काली हो जाए तो पत्तियों को छान के निकाल दीजिए और उस ऑयल से आप अपने बालों की मालिश किया कीजिए, कम से कम सप्ताह में दो दिन भी करेंगे, अगर रात में तीन दिन, तो आप खुद देखेंगे कि आपके बाल काले, घने, मोटे और सिल्की हो जाएंगे। अगर किसी को पाचन संबंधी समस्या है या फिर दस्त लगने लगे बार बार, तो कड़ी पत्ते को पीस करके छाछ में मिला दीजिए, ये पेट की गड़बड़ी को शांत करेगा और पेट के सभी दोषों का निवारण करने में सहायता करेगा। तो काफी कमाल की औषधि है, इसका सेवन आप जरूर कीजिए, आप इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को
आपको वीडियो मिल जाए मुझे खुशी मिलती है जब भी आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते हैं तो। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम ऐसी ही नई वीडियो लेकर के आते रहते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो।